एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ द 12th मैन पॉडकास्ट। आज की एपिसोड हमारी स्पेशल है। जनरली पिछले कुछ एपिसोड से आप सिर्फ मेरी शक्ल देखते आ रहे थे क्योंकि कोई मेरे साथ आने को तैयार नहीं था, बट आज मैंने एक दो नहीं बल्कि चार लोगों को इकट्ठा कर लिया है और फाइनली एक लॉन्ग ड्यू पॉडकास्ट जिसकी हम प्लानिंग सालों से कर रहे हैं, नॉट इवन मंथ्स, वो आज होने लगी है। सो सबसे मजे की बात यह है कि आपको जो पांच चेहरे नजर आएंगे, एक अभी कुछ देर तक ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो पांचों के पांचों मुख्तलिफ ममालिक में है। सो हमने एक टाइम डिसाइड किया जो कि सबको सूट करे। कुछ लोगों ने ज्यादा एफर्ट किया है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम साद अहमद एंड अदीब भाई टू द शो। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। ये एक अच्छी सजेशन थी जो भी हमने साद ने हमें दी थी, वो ये थी कि इंट्रोडक्शन में हम ये स्टार्ट करें कि क्रिकेट से हमारा क्या रिश्ता है। सो आई थिंक मैं साद को सबसे पहले फ्लोर देता हूँ कि साद ही मुझे बताएं कि उनका क्रिकेट से रिश्ता कब शुरू होता है और किस किस्म का है। और उमैर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सो उमैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने का, आपका और ज्वाइन करने का। कोई मसला नहीं यार, अस्सलाम वालेकुम बॉयज। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने तो क्रिकेट खेली है, तूने क्या किया? तूने क्यों टोपी पहनी हुई है? मैंने भी थोड़ी सी खेली है घर पे। अदील भाई को समझ आया हम लाइव क्यों नहीं जा रहे थे। यार यही तो बात है जो डेट्स देती है। 1 मिनट हुए स्टार्ट हुए पॉडकास्ट को, 1.5 मिनट अभी थोड़ा ना यार, इसी से तो शॉर्ट्स और रील्स बनती है। क्या रिश्ता है हमारा, कई रिश्ता क्या कहलाता है क्रिकेट से, वो तूने बीच में आके बॉम्ब कर दिया। लुचपन दिया। चलो बिस्मिल्लाह करो जी, बताओ जी। गंदी सांस बना के तूने। ओ नहीं, हाँ सास तो अब तेरे लिए एक मुकद्दस। ये दोबारा नहीं कहना, बताओ। साथ में बोलना शुरू करते हैं, ऐसे नहीं चुप होना इन्होंने जी। ये तो नहीं चुप होगा। नहीं मैं तो यहाँ पर होता हूँ फोर्ट लॉडरडेल में पिछले तकरीबन 4 साल से, और यहाँ पर भी हमारा कभी कभी क्रिकेट होता है तो मैं मतलब लोगों को कहता ही रहता हूँ। मैं जब 2-3 दफा गया हूँ तो एक आधी जगह मेरी लड़ाई भी हो गई, थोड़ा सा पैशन जरा ज्यादा था तो उन्होंने मुझे बुलाना छोड़ दिया। तो मुझे को ज्यादा लोग खेलने नहीं बुलाते, जहां मैं जाता हूँ मैं अच्छा खेलता हूँ। मतलब एक दो जगह पर आई फेल्ट वेरी प्राउड यू मैर, मेरा कोच रहा है बहुत देर। ये जब हम खेलते होते थे कॉलेज में तो ये बंदा खड़ा करता था एक जगह पे कि यार वहां पे खड़े हो जाओ, जहां भी बॉल आनी है मैंने उधर ही मारनी है। वो जो हमारा एक पक्का एरिया है, सारे पाकिस्तानी बैट्समैन का भी वहीं पे मारते हैं। तो क्रिकेट का मुझे शौक बहुत ज्यादा है और बढ़ते ही एज के साथ वो बढ़ता चला गया। तो आई एम एन एविड यू नो लवर ऑफ क्रिकेट। जो भी दुनिया में लीग चल रही हो मैं तकरीबन सारी लीग्स को फॉलो कर रहा होता हूँ। पाकिस्तान की न्यूज हो, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो, जो भी चीज क्रिकेट से रिलेटेड होती है, एवरी सिंगल मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप तो मैं न्यूज भी पढ़ता हूँ और साथ में एक दफा क्रिक इन्फो भी खोलता हूँ। जो मैच चल रहा होता है मैं उसके स्कोर कार्ड जाके देखता हूँ कि भाई आज क्या चल रहा है। तो आई थिंक आई कीप वेरी कनेक्टेड टू क्रिकेट और आई थिंक इट्स वन ऑफ माय मेन लव्स ऑफ माय लाइफ। और मेरी बीवी जो है वो सलमान भट्ट को, मेरे बच्चे भी कहते हैं कि ये कोई हमारी सेकेंड मामा है, मेरी बीवी भी कहती है सॉकर ना, क्योंकि सारा दिन उसकी आवाज बजती है। आई थिंक ही इज द बेस्ट एनालिस्ट इन पाकिस्तान अभी। तो उसकी पॉडकास्ट रोजाना, वो जो शो करता है वो रोज सुनना होता है। और भी कई शोज है लेकिन मतलब क्रिकेट को डेली वॉच करना और क्रिकेट की एनालिसिस सुनना, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ माय डेली लाइफ। तो वेरी वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट। अदील भाई इफ यू कुड शेड सम लाइट। यार मेरा भी कुछ ऐसे ही है कि आई एम मोर ऑफ अ लेट्स से फॉलोअर ऑफ द स्पोर्ट। थोड़ा बहुत जो खेलते हैं वो बचपन में इतना अच्छा तो कभी खेला नहीं था, लेकिन फिर यहाँ जर्मनी में जब मूव हुए हैं तो वी फाउंड आउट कि कुछ पाकिस्तानी और इंडियंस इकट्ठे मिलके जो है क्रिकेट खेलते हैं, तो वहां पर शुरू किया तो अंधों में काना राजा सा बन गया। लेकिन इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ओल्ड एज एंड द पैशन दैट सम पीपल हैव कि हम अभी भी खेल रहे हैं अपनी 40 की उम्र में। मेरा क्रिकेट के साथ जो ताल्लुक है वो इस तरह शुरू हुआ था, मैं आप लोगों को बता रहा था कि मेरे अबू जो है वो हांगकॉन्ग में जब हम शिफ्ट हुए थे ही वॉज वर्किंग इन अ बैंक और वहां पर जो है वो क्रिकेट खेलते थे एज एन ऑलराउंडर बट मोस्टली एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। तो whenever like people from Pakistan like mujhe yaad hai Zahir Abbas saab aaye the, Abdul Qadir the great aaye the, so abbu actually was in one of those matches and we got to see, aur mujhe nahi pata tha ki ye log kaun hai, wo to baad mein ja ke pata chala ki yaar ye kitne legends of the sport hai.
So I've always followed cricket growing up, but it's more now that I follow cricket. ESPN वो क्रिकेट इन्फो की वजह से स्टैट्स देख लेता हूँ. यूट्यूब के ऊपर जो चीजें आ जाती है वो. रिसेंटली एशेज का इंटरेस्ट पैदा हुआ, और अब ये जो पाकिस्तान ने जो टेस्ट मैच में हरकतें की है, इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू वॉच क्रिकेट व्हेन यू आर अ पाकिस्तान सपोर्टर. तो कुछ ना कुछ तो जिंदगी में चुगल मेला चलता रहता है विद पीसीबी एंड द लव ऑफ क्रिकेट दैट वी हैव विद आवर अदर क्रिकेटिंग लेजेंड्स ऑफ टुडे एंड यस्टरडे. तो ये सीन है मेरा. हीरो आप क्या कहना चाहेंगे? यार मैं वही कहना चाहूंगा कि जस्ट लाइक नॉर्मल एक जो होता है हमारी ऑप्शंस कुछ ज्यादा थी नहीं ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान. ऑल दो मतलब आई ट्राइड माय हैंड्स एट डिफरेंट स्पोर्ट्स, लेकिन यही है कि जो आउटडोर एक्टिविटी होती थी व्हेन वी वर ग्रोइंग अप वाज मोस्ट कॉमन वाज क्रिकेट. तो ऑफ कोर्स बाहर गलियों में खेलना, उसके बाद स्कूल में हार्ड बॉल स्टार्ट की, फिर वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने जिंदगी के रोलों में निकल गए. तो फिर पता चला कि इसमें तो उस तरह का फ्यूचर नहीं बन सकता, बहुत जल्दी पता लग गया. तो उसके बाद फिर यही है कि कैप टैब्स ऑन द गेम थ्रू कोई क्रिक इन्फो की बात हो रही थी और मैचेस देखने, और फिर पाकिस्तान आई थिंक इज अ टीम जो कि एक्चुअली वर्ल्ड क्रिकेट को जो है ना वो एंटरटेनमेंट देती है. इट्स मतलब द ओनली टीम जिसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा है. तो एज अ पाकिस्तानी फैन अक्सर यहाँ लोग कहते हैं कि जी आपको अभी तक हार्ट अटैक क्यों नहीं हुआ या होने वाला है. मतलब इट हैज सच अप्स एंड डाउन्स के उसमें वो इट जस्ट कीप्स यू इन्वॉल्व एंड कनेक्टेड. ऑल दो रिसेंटली मेरा ख्याल है थोड़ा सा स्पेशली न्यू जनरेशन और को लेके थोड़ा सा डिप हुआ है, एंड दैट्स ओनली बिकॉज के हम जो है वो अपनी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रख पा रहे. लेकिन आई एम स्टिल होपफुल, आई एम स्टिल कनेक्टेड. तो आई एम जस्ट अनदर फैन फ्रॉम पाकिस्तान. ठीक है उमेर भाई, आखिर में आएंगे, उमेर लेट आए हैं, सो आपकी बारी भी अब लेट आएगी. इस वजह से पर खराब बट वो बारी एडिंग ऑन बारी आ क्रिकेट का बहुत करता है वो. एडिंग ऑन भी आप लोगों की मैंने बात स्पेशल जैसी कि वो पॉडकास्ट के लिए कपड़े पहने हीरो वाली बात है कि ग्रोइंग अप भी ऑप्शंस कम थी. लकीली मॉडल टाउन में पहले जहाँ हम रहा करते थे वहां पे सामने ग्राउंड था जो कि हर जगह अवेलेबल शायद नहीं होता लाहौर में, लेकिन हम्म. फायदा उसका ये था कि वहां पे फुटबॉल या क्रिकेट खेली जाती थी डिपेंडिंग ऑन द सीजन. यूरो या कुछ और हो रहा है तो वहां पे फुटबॉल आ जाता था, वरना क्रिकेट चलती थी. बारिश होगी तो हम सड़कों पे खेल लिया करते थे. तो वॉज नेवर अ गुड और ग्रेट प्लेयर. शोल मेले में जितना खेला 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 उसके बाद फिर गिव अप कर दिया. बट एक जो मेमोरी बड़ी, दो तीन मेमोरीज हैं, बट एक 92 का वर्ल्ड कप मुझे बेयरली याद है क्योंकि हम तो मुरीद के में थे. लेकिन वो याद इस तरह ही है कि बस मोहल्ले में जश्न था और हमारे अब्बा उस दिन टीवी उठा के ले गए थे क्योंकि वो वर्ल्ड कप का मैच पूरे वापदा ने उस दिन बैठ के उनके ऑफिस में टीवी पे देखा था. लेकिन मुझे इतनी बस याद है कि जश्न था और लोग खुश थे, और ऑब्वियसली उस टाइम और कुछ आइडिया नहीं था कि खान साहब कौन है या 92 में क्या हो रहा है. बट उस वक्त 96 के शायद वर्ल्ड रमजान भी चल रहा था. लेकिन सर हम तो उस टाइम उसका भी आइडिया नहीं था ना. आई वॉज लाइक 5 ईयर्स ओल्ड, 4 5. नहीं उस वक्त लेकिन तेज 96 इंटरनेट की भी नहीं मेमोरी था ना, बड़ी तो अच्छी वो है क्योंकि लोगों के 96 पास और के कुछ करने को भी नहीं टाइम था. पे वाली साहब की ड्यूटी थी गुलबर्ग के एरिया में, और 96 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था वो पहला मैच था पाकिस्तान में जो फ्लडलाइट्स में खेला गया. तो उससे पहले इन्होंने पूरा पूरा हफ्ता फ्लडलाइट्स ऑन रखते थे पूरी पूरी रात, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कोई मसला तो नहीं आएगा. तो एक रात पहले भी हम लोग जो है वो सारे अब्बू चेक करने गए थे, तो हम उनके साथ गाड़ी में चले गए. तो लिटरली उनके कजाफी के गेट पे उतर के अंदर जाके पूरे कजाफी का चक्कर लगाया. तो वो एक बड़े मेजेस्टिक फीलिंग आई कि पूरा स्टेडियम खाली पड़े, लाइट्स जल रही हैं, और आपको और आप सिक्योरिटी का ये देखें कि नेक्स्ट डे फाइनल था और लोग वहां पे आके घूम फिर रहे थे. अब तो इट्स हार्ड टू इमेजिन ये क्या हो रहा है. एंड लास्ट पॉइंट ये था कि क्रिकेटर आया करता था एक मैगजीन बचपन में हमारे, जो उर्दू और इंग्लिश में दोनों आया करता था. तो शुरू में उर्दू में पढ़ा करता था, फिर अम्मा को हुआ कि उनको भी मैंने थोड़ा लगाया. मैंने कहा देखिए इंग्लिश पढ़ूंगा तो मुझे इंग्लिश बेहतर हो जाएगी. उन्होंने कहा बस बेटा हर महीने तुम्हें लेके दूंगी मैं. वहां से स्टेटिस्टिक्स का शौक आया क्योंकि वो जब लिखते थे या जिस तरह क्रिकेट इन्फो भी लिखता है तो वो कोई ना कोई एंटीडोट बीच में डालते हैं कि हाई स्कोर या इतने रिकॉर्ड सेंचुरी का. वो एक ऐसी चीज है जो रही है. सईद अनवर का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं. उसके टाइम तक मैंने रिलीजियसली क्रिकेट देखी, उसके बाद से रीसेंट टाइम में ऑनेस्टली अब बहुत ज्यादा नहीं देखता, और जो देखता हूँ वो शायद पाकिस्तान की कम होती है और एशेज टाइप ज्यादा होती है. बट फॉलो करने वाली बात जरूर वहां पर है कि वेबसाइट जरूर खुली जाती है, स्टैट्स पता होते हैं किसने आज क्या किया, बांग्लादेश से साउथ अफ्रीका से कितनी बुरी तरह हारा, साउथ अफ्रीका की बिगेस्ट एवर विन थी फॉर एवर. तो इस तरह की चीजें साथ साथ एक्वायर करते रहते हैं.
लेकिन शायद ऑनेस्टली 2021 का वर्ल्ड कप शायद लास्ट वर्ल्ड कप था जो मैंने बैठ के प्रॉपरली देखा था, जिसमें हमें फिर ऑस्ट्रेलिया से हारना पड़ा था। एंड उमेर, ओवर टू यू। तो यार मैंने जो क्रिकेट का मुझे पहला याद है वो ये कि मेरे कजन्स वगैरह थे, बंदे कम होते थे तो वो साथ मुझे लेके जाते थे फील्डिंग करवाने। क्लास 2-3 की बात है प्रॉब्ली मेरी। फील्डिंग करता था मैं पूरा मैच, कुछ नहीं करता था, सिर्फ फील्डिंग करता था। और मैंने कहता था यार मुझे भी कुछ बैटिंग वैटिंग दे दो, तो वो कहते नहीं बैटिंग ठीक है फील्डिंग कर दो। फील्डिंग करता था मैं, और वो प्रॉपर टेस्ट मैच वगैरह खेलते थे लंबे लंबे, पूरा दिन अच्छा कुत्तों की तरह फील्डिंग कर रहा हूँ मैं, बॉल लेके आ रहा हूँ, दूर से बॉल लेके आ रहा हूँ, पानी लेके आ रहा हूँ। मतलब मेरा ख्याल है बड़ा अब्यूज किया उन्होंने 12th मैन मुझे। तो फिर वहां से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू की है, और जहां भी मैं गया हूँ एक चीज स्पोर्ट्स का थोड़ा सा मुझे पैशन था शुरू से ही, फुटबॉल और क्रिकेट का स्पेशली, ये दो चीजें मैंने काफी ज्यादा खेली हैं एक्चुअली। तो जहां भी गया हूँ वहां मैंने ज्यादा तो नहीं लेकिन डिसेंट क्रिकेट और डिसेंट फुटबॉल खेली है मैंने। फॉर इंस्टेंस बारे जीसीसी में 10 साल से, तो 10 साल में बारेन, यूएई, कतर में आई हैव बीन कनेक्टेड टू द स्पोर्ट एज वेल, के उसे खेला भी है। और मैच देखना तो ये है कि फॉर इंस्टेंस मैं और मोटा अक्सर, आप तो खैर ये पिछले 5 साल से यूएस यार, आप और बॉडी शेमिंग नहीं काफी, कर सकते हमारी पॉडकास्ट पे। सॉरी सॉरी, मैं और पतला जो है हम लोग अक्सर मैं और साथ अक्सर अगर फोन पे बात करते हैं ना तो हम शुरू होते हैं क्या हाल है ये वो वगैरह वगैरह, और 10 मिनट्स इन टू द कॉल एंड देन विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट आउट ऑफ नोवेयर, एकदम क्रिकेट की डिस्कशन चले जाएगी, जिसमें हम दो तीन लोग हैं, एक उनमें से इधर ही बैठा जिसको हम काफी बुरा भला भी कहते हैं, वो उसके उसके नहीं, दो आइडियाज जो बैठे है हैं, ना। दो। अदील भाई, आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे। क्या करें यार, वेरी गाली तो क्लोजली, मुलाकात तो और ही अभी से हाँ बातें शुरू हो गई हैं। वेरी लोग आपसे बैठ पैशनेट, बैठ कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ नहीं, बहुत पैशनेट, वी आर वेरी पैशनेट स्पोर्ट्स को लेके। मैं और मोटा, मैं और साथ बंक करते थे, हम बहुत गंदी क्रिकेट खेलते थे। हम लोग लिटरली, हम लोगों को ना एक इस मतलब इस आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हाउ पैशनेट वी वर, कि हम एक जगह पे जाते थे और वो बड़े थे लड़के हमसे, वो रोज हमसे बोतल बोतल की शर्ट लगाते थे, और हम कौन सी तीनों पैसे बोतल? जमा कर, वो बड़ी वाली कोक की, पेप्सी की, अच्छा, 15 रुपए पेप्सी। की मेरा ख्याल आती थी वो। हम रोज हारते थे, रोज उनसे हारते थे रोज। उन्होंने अपनी दिहाड़ी लगाई हुई थी, और वो दुकान वाला ही था उनमें से एक, उसकी दिहाड़ी लगी थी। हम लेकिन रोज जाते थे जज्बे के साथ, बंक करके जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, हम क्रिकेट खेल रहे, बट दैट्स इट पूरा दिन। तो हाँ दीवार भी नहीं काफी टपक खेली जाती है। थी मेरे से, याद है? ओ यस आई नो ये आई लोग नो, दीवार मोटे टाप के जाते थे और मैं अपने ताल्लुकात की बेस पे गार्ड को कह के जाता था कि यार जान ले कि वो हो गए, चौकीदार को कह के जाता था, दीवार मुझे टाप ही नहीं जाती थी। हाँ तो क्रिकेट आई थिंक कनेक्ट्स अस एज वेल। मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आई एम ओनली कनेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स। इट इट काइंड ऑफ कनेक्ट्स अस, इट कनेक्ट कनेक्ट्स द नेशन। हम लोगों के अगर पास और हमारे कुछ यहाँ है दोस्त ना नहीं, होता, अगर क्रिकेट पे बात ना होती शायद इतना अच्छा दोस्त ना होता। गुड मसाला एक और शॉट निकलेगी कॉन्ट्रोवर्सी आते बात। मुंह ना लगाता तो मार दो बिल्कुल। लेकिन हमाद इज आर गो टू गाय फॉर स्टैट्स ऑफ कोर्स, तो इसलिए हमाद को हमारी हमारी मजबूरी है, हम शॉट नहीं निकाल सकते भाई। जिस तरह 2 क्लास में तुझे ले जाते थे फील्डिंग कराने, इस तरह हमने मात को रखा हुआ है, तो स्टैट निकाली जाए। जैसे उमेर के लेकिन यार इंट्रोडक्शन के हमाद खुश सबसे है। सबसे मजे का जो था ना उमेर के इंट्रोडक्शन में, वो ये था कि जब इसने कहा ना मैं 12th मैन बन के मुझे बहुत अब्यूज किया, तो पीरू की जो शक्ल पे स्माइल आके गुजरी ना, पता नहीं बहुत क्या जोर से कहना चाह मुझे एक रहा था बात ये। आ रही अब थी। ये रिकॉर्डिंग जा रही है तो वो बेचारा कह नहीं पाया। हाँ तो यार दैट्स इट दैट्स इट। तो हाँ वो बाकी न्यूज वगैरह ये वो ऑफ कोर्स क्रिक इन्फो तो फेवरेट ऐप है, तो हर रोज चेक करते हैं। मैं और मेरा साथ का भी यही सीन है, मैं और साथ एक्चुअली नॉट ओनली इंटरनेशनल गेम्स, हम दोनों डोमेस्टिक गेम्स भी फॉलो करते हैं, क्योंकि हम दोनों डोमेस्टिक गेम्स भी बातें करते हैं तमाम डोमेस्टिक गेम्स, जो अक्सर। डोमेस्टिक गेम अगर उसकी हर हाईलाइट्स जगह आती है तो की। मैं देखता हूँ, मस्ट है, हाँ एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। कि वो प्लेयर देखा है तूने, फलाना देखा, टिमकाना देखा, अक्रॉस रीजन देख रहे हैं हम लोग। एब्सोल्युटली। नाइस नाइस। तो इस पॉडकास्ट का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि हमारे पास सारे वो लोग हैं जिन्होंने 90s का एरा देखा है, तो ओह यस अगर हम लोग जो है वो 2010 कह लो या बाबर आजम एरा के बच्चे नहीं है, हम लोगों ने एक्चुअली वो ट्रांजिशन देखी है फ्रॉम पोस्ट इमरान खान क्लास से लेके। बाबर आजम को रगड़ना जरूरी था। आए
वो बाद में आएंगे नहीं, आएंगे उस पर भाई, भी हम आएंगे। ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं बाबर फैन क्लब एग्जिस्ट करता है इस पॉडकास्ट हाँ, में, हम ये कुछ कहने काफी नहीं बाबर देंगे। पॉडकास्ट हाँ, वो नहीं जो है क्या कहता था, शाहिद अफरीदी सोचना भी बना है। तो इसके लिए मेरे ख्याल सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चन फिर बनता है इस हमारे इस ग्रुप से, और वो ये है कि थोड़ा क्लिशेड भी है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डू यू फील राइट नाउ पाकिस्तान इज मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड? एंड बाय बैकवर्ड आई मीन कि ये दुनिया तो खैर ऑब्वियसली हम हमेशा से कैचअप कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल में एटलीस्ट, यहाँ से मैं अपने डिस्क्लेमर ऐड कर दूं, बट जर्नली हम लोग इस टाइम रिग्रेस कर रहे हैं या क्रिकेट सही डायरेक्शन में जा रही है, कौन पहले स्टाइल ऑफ बोलना क्रिकेट चाहेगा? और क्या आर वी टॉकिंग अबाउट? स्टाइल, द स्टाइल ऑफ क्रिकेट, एवरीथिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, कोचिंग, या एडमिन तो इज, स्टाइल ऑफ प्ले। कैन लेट्स, मेरे ख्याल एडमिन इटसेल्फ इज अ वेरी डिबेटेबल, और वो उसको साइड पर, क्योंकि वो तो एक बहुत अजीबो गरीब सी डिस्कशन है जिसमें आई थिंक यूनानिमसली वी कैन ऑल अग्री के इट्स गोइंग टू डॉग्स। इट वो इट हैज क्रिएटेड अ मेस जो कि अभी तक, और पे वो कर ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहा। ये मसला है ना, तो लेकिन स्टाइल ऑफ जैसे क्रिकेट क्रिकेटर पे पे इफेक्ट आता है ना फिर आपके बाकी, अब मैनेजमेंट अगर आपके कोच फायर हो रहे हैं बगैर वनडे में कोचिंग किए, तो आप किस तरह फिर उसको इंडिविजुअली देख सकते हो उस इंसिडेंट को? यार, अगर आप इस चीज को देखो ना, कोचिंग का कॉन्सेप्ट भी जो हमने पाकिस्तान में लेके आए हुए हैं वो भी जरा थोड़ा ऑड है। कि मतलब कितनी दफा हमने सुना है कि मिकी आर्थर जो है, सॉरी इससे पहले कौन था, एक तो इतने चेंज हुए हैं कि वो भी याद नहीं रहते। कौन से वाले ठीक की बात? है, गोरा के अपना देसी गोरा जो आया था ना, ग्रांट जो ब्रैडबर्न, सिर्फ ग्रांट ब्रैडबर्न नहीं, उसका जो जो न्यूजीलैंड सिर्फ वाला, इंटरनेट के ऊपर स्काइप की वो तो कॉल मिकी पे था ना, जूम वो की तो कॉल मिकी पे, को ही दे दिया मिकी था ना था ना, डायरेक्टर से के। हाँ हाँ मिकी 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 डायरेक्टर लगम लेके सेठी अब लेके आया था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब मसला ये है कि अगर आप एज अ कोच, हमने कितनी हॉलीवुड की मूवीज देखी है यार, यू नीड टू बी विद द प्लेयर्स, यू नीड टू बी एबल टू एक्चुअली सी देम इन देयर डेली स्ट्रगल टू रियलाइज के उनके क्या इश्यूज है क्या नहीं है। ये मोटिवेशनल स्पीचेस से नहीं चल सकता कि चलो यार अब मैंने ये यहाँ पर इंग्लैंड में बैठ के जहां पर वो अपने काउंटी को देख रहा था और वो बता रहे कि ये मसला है। बट मोर देन दैट, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रैटेजी, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हमारे पास तो मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुझे नहीं लगता कि किसी ने, एक साल प्लान तो छोड़ो, अगले जो सीरीज होती है उसके लिए भी वो प्लान कुछ बनाते होंगे। फ्रॉम व्हाट इट लुक्स लाइक, इफ यू आस्क मी, हम क्या हम रिग्रेस कर रहे हैं या स्टैंडिंग्स यू नो स्टिल या मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक अभी रिग्रेशन वाला पीरियड है। वो कहते हैं कि इट ऑल गोज इन अ सर्कुलर मोशन, अभी हम आई थिंक वील हैव टू हिट रॉक बॉटम, आई थिंक वी स्टिल हैवंट हिट रॉक बॉटम। अल्लाह का शुक्र है कि इंग्लैंड से हम ये टेस्ट सीरीज जीते हैं, वो भी मिरेकल था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेटेजी पॉइंट बिफोर यू कैन से कि हम गेम कैसी खेल रहे हैं। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। रॉक बॉटम पे पीरू का कमेंट चाहिए मुझे। मैं टोटली डिसएग्री ऑनेस्टली, और इसीलिए मैंने पूछा था उससे। हाँ हाँ नहीं, ये ओ पाकिस्तान क्रिकेट इज बिल्ट ऑन दैट। देखिए मैं पाकिस्तान क्रिकेट को ना कंपेयर करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिवली, जब आप बात करते हैं ना तो सब लोग यही बुकिश बातें करते हैं, हाँ जी ये स्टेबिलिटी आनी चाहिए और ये लेफ्ट राइट। पाकिस्तान क्रिकेट को आपको पाकिस्तान म्यूजिक से कंपेयर करना होगा। पाकिस्तान की सोसाइटी में म्यूजिक की कोई जगह नहीं है बट वी क्रिएट लेजेंड्स। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इन्हीं हर्डल्स में से जो है ना वो हम हीरे निकालते हैं। अगर जिस दिन हम एक प्रॉपर सिस्टम बना लेंगे और एक पूरा वो फनल्स बन जाएंगे और स्कूल से वो सारा सिस्टम, जिस तरह अब आप कह लेंगे जब हमने इंडिया की 90s किड्स अगेन हमने देखी है इंडिया की प्रोग्रेशन के किस तरह एक सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन और पैसे के इनफ्लो के थ्रू उसकी प्रॉपर ग्रास रूट्स लेवल से किस तरह टीमें बन सकती हैं, उस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन उसको वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। आई जस्ट फील लाइक कि हमारा यही क्योस रहेगा, हमारा यही शोगल रहेगा, हम यही न्यूज आइटम्स जनरेट करते रहेंगे और हम बाबर आजम भी बनाते रहेंगे। हमारा हमारी क्रिकेट की एसेंस ही यही है मेरे ख्याल से। इट्स अ वेरी वीरू यार, मेरा भी ये, वी आर नॉट मेकिंग दीज लेजेंड्स। ये जितने लोग आ रहे हैं, आप आजकल ये जो फिटनेस टेस्ट और ये सब बकवास चल रही है, we are not creating these legends, these people are coming in with their own ability to be strong. wo kahan khel rahe hain, umar gul is an example, agar aapne uski purani videos dekhi ho, kya wo bhai death overs ka champion tha, mujhe abhi bhi yaad hai jo
वो जो उसने 2003 या 4 था जिसमें इंडिया के खिलाफ उसने हमें जिताया था, ठीक है, वो जो उसने विकेट्स ली थी, आई थिंक पहले इनिंग्स में 5 ली थी, फिर बाद में 1 या कुछ, वो अलग बात है, आई थिंक वो हम पता नहीं, आई थिंक वी लॉस्ट द सीरीज, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितने भी ये फाइंस है, वी डोंट फाइंड देम, बाय चांस दे कम इन, बट वी कांट रिलाई ऑन दैट ऑल द टाइम. That's no, exactly. But that's the thing. We are surviving on this by pure luck. ठीक है, शुएब अख्तर खुद कहता है कि यार मेरे तो गोडे रह गए थे जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया था, बिकॉज किसी ने मुझे गाइड नहीं किया कि कैसे जो है वो रनिंग और ये वो सब करते हैं. वसीम अकरम कहते हैं इवन इन पीसीबी का अपना जो जिम और जो फिटनेस सेंटर है वो सही नहीं है. वहाब जो है, वहाब रियाज कहते हैं कि मैं तो अपना शेप्स में जाके एक्सरसाइजेस करता था, बिकॉज देयर इज नो वन टू रियली ट्रेन अस. सो दिस इज बाय मिरेकल कि हमें ये लोग मिल रहे हैं, बट टुमारो this luck might run out and you need a system to be able to do that. Tum agree kar raha hu, agree to disagree, ho raha hai, but it will not survive, we cannot survive the long run like this. Nahi, main mera mera is pe perspective hai, just ek point main apne aap add kar do, main second is tarah karunga ki sustainable kyun nahi hai, kyunki west indies mein bhi ek time pe yahi tha, wo disintegration hai of different islands, unka board is very poorly run, they don't have enough money, administration heavily politicized hai wahan par, बट ओवर द ईयर्स वहां पे उनका एक सिस्टम बना हुआ था कि लंबे बॉलर्स लेके और वो 6 फुट के यार वो ऊपर से फेंकेंगे और 7 फुट से बॉल आएगी आपको, और वो सिस्टम चलता रहा, लेकिन इवेंचुअली जब वहां पे फाइनेंशियल सिस्टम नहीं बने, स्पोर्ट्स सिस्टम नहीं बने, तो वो बास्केटबॉल तो जाना शुरू कर दिए, तो आहिस्ता आहिस्ता टैलेंट डाइवर्ट भी होना शुरू हुआ, और अब इक्का दुक्का उनको प्लेयर मिलते हैं, लेकिन 11 प्लेयर उनके पास नहीं है जो फाइट कर सके. पाकिस्तान में नॉट द एग्जैक्ट एग्जाम्पल, बट हॉकी का भी एक यही सिस्टम रहा कि हमने अज्यूम किया कि लोग हमें सलाउद्दीन मिलते रहेंगे. दो काम हुए, एक ये हुआ कि पिच चेंज हो गई, हम ग्रास से एस्ट्रफ पे आ गए और हमारे पास पैसे ही नहीं थे कि हम प्रैक्टिस करते उस पर, और दूसरा ये हुआ कि हॉकी लेवल पे अपने हमारे कॉलेज में साद और उमेर को याद होगा, हॉकी की टीम नहीं थी, स्कूल में हम हॉकी खेलते थे, नेक्स्ट ईयर हम हॉकी नहीं खेल रहे थे, हालांकि हम लिटरली सेम बिल्डिंग में थे, दीवार के उस तरफ हॉकी ग्राउंड भी था, सो वो भी आहिस्ता सस्टेनेबल नहीं था. तो ये जस्ट टू सेंस. प्रसाद आप कुछ कहने लगे थे. जी, मैं इस पे ना सिर्फ दोनों के साथ एक एक पॉइंट पे एग्री करूंगा. मेरे ख्याल में फ्रॉम अ प्लेयर पूल परस्पेक्टिव, हमारे पास हमेशा से जितने भी प्लेयर्स रहे हैं, दे हैव बीन वेरी टैलेंटेड, वेरी इरेटिक, वेरी पोलिटिसाइज्ड. 90s 11 की जितनी लोग ग्लोरीफाई करते हैं, 90s 11 को आई डोंट बिलीव इट वॉज द बेस्ट पॉसिबल एरा, और उसकी बहुत बड़ी वजह वही है जो कि अगेन हैवी पोलिटिसाइजेशन, मैच फिक्सिंग, ये वो अपने पोटेंशियल पे कभी खेल ही नहीं पाए, और वो उसमें बहुत बड़ा रीजन प्लेयर्स का भी था, खाली बोर्ड्स का नहीं था. लेकिन मेरे ख्याल में जहां पर रिग्रेशन है ना, दैट इज स्पेसिफिकली ऑन द टेक साइड ऑफ थिंग्स, ऑन द एवोल्यूशन ऑफ बोर्ड, एवोल्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, एवोल्यूशन ऑफ ट्रेनर्स. अभी हमारा बच्चा जो इंजर होता है, उसकी रिहैब अगर हम आज भी नहीं करवा सकते, एंड वी आर लाइक द 4th richest board, प्रोबेबली एक पॉइंट पे वी वर द 2nd richest 90s में, जब वो एंड लेट 90s अर्ली 2000s में, तो अकीर जया वगैरह जब थे उस टाइम के ऊपर, वी वर द 2nd richest, इंडिया वाज द richest, हम 2nd पे थे, बाकी सारे बोर्ड्स बाद में आते थे. हम लोगों ने ये वाली साइड उस तरह से डेवलप नहीं की, तो आई थिंक फ्रॉम अ सिस्टेमिक परस्पेक्टिव, फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशनल परस्पेक्टिव, वी हैव रिग्रेस्ड. और आज की जो डिमांड है स्पोर्ट की, आज की जो वॉल्यूम है स्पोर्ट का, उसमें आपको अपने प्लेयर्स को अगर आगे लेके चलना है, तो प्लेयर्स ना सिक्योर फील कर पाते हैं, तो वो अपने ऊपर ओवर एग्जर्ट भी करते हैं, पैसे कम कमा पाते हैं, तो वो लीग्स भी खेलते हैं, फिर उनकी टेक केयर करने के लिए अगेन ना सही ट्रेनर्स हैं, ना सही कोचेज हैं, ना सही स्पोर्ट्स मेडिसिन वाले लोग हैं. आज भी आपके सारे बच्चे जाके 2.5 किलो कढ़ाइयां खाते हैं, वो जो स्टोरी हम हमेशा सुनते हैं, तो इट्स इनसेन जिस तरह से ये लोग तब भी प्रोड्यूस करते हैं रिजल्ट्स. लेकिन अगेन फ्रॉम अ प्लेयर परस्पेक्टिव, आई एम कंप्लीटली विद पीरू कि ये हमारा तरीकाकार ही है. 90s की टीम गोल्ड तरीन टीम थी, गोल्डन एरा ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, जो बांग्लादेश से भी हार जाती थी, जो जो बना बनाया मैच भी हार जाती थी, तो ये हमारा एज अ कॉम हम ऐसे ही हैं, हम कभी भी कंसिस्टेंट ना आज तक. ये वसीम अकरम भी यही कहता है कि हम एज अ कॉम यही है ना, फिर आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम भी तो उसी कॉम से ही पले बढ़े ना. तो आई थिंक प्लेयर वाइज आई डोंट एग्री कि हम रिग्रेस कर रहे हैं, उसके ऊपर आई थिंक दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, जब हम उस पर जाएंगे तो आई कैन एक्चुअली शेयर माई थॉट्स कि हमारी टीम का गेम प्लान कंफ्यूज्ड है. इट्स नॉट रिग्रेशन, इट्स कंफ्यूजन.
और उसकी भी बहुत बड़ी वजह अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव है, आई कैन ऐड मोर थॉट्स ऑन दैट लेटर, लेकिन इस पॉइंट पर आई थिंक जो हमारा बोर्ड गवर्नेंस वो रिग्रेस कर रही है, प्लेयर वाइज आई थिंक वी आर स्टिल ओके। उमेर यार, मैं एडमिन वाइज तो आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मसला ये है कि आई डोंट सी इट गोइंग एनीवेयर राइट नाउ, एंड देयर आर स्टोरीज, इट्स अ सेम सर्कल दैट वी हैव बीन पार्ट ऑफ, जो कि जिसमें हम सुन रहे हैं कि यार ये एडमिन ये फेल हो गया, फलाना फेल हो गया, टिमकाना फेल हो गया, तो वो तो आई डोंट सी एनीथिंग कमिंग आउट ऑफ दैट। अभी हमने रियलाइज भी कर लिया, हम आई एम श्योर वहां पे लोग बैठे होंगे, उनको पता होगा कि यार सब लोग क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या, स्टेप्स लेने चाहिए, क्या करना चाहिए इसको फिक्स करने के लिए। इतने बेवकूफ लोग तो नहीं है, कुछ कोई अकलमत की बात तो कर देता होगा कि यार ये सिस्टम से सही कर लो, लेकिन इट्स नॉट गेटिंग फिक्स्ड। तो इट टेल्स मी कि आई काइंड ऑफ अग्री विद यू, इट माइट एक्चुअली नॉट गेट फिक्स्ड, एंड दैट्स प्रोबब्ली द ओनली वे इट वुड काइंड ऑफ वर्क। क्योंकि मेरा ख्याल है एडमिन लेवल के फेलियर्स, हम पाकिस्तान में बड़ा जबरदस्त उर्दू का वर्ड मेरे दिमाग में आया, मिनहसल कौम चल रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड इज जस्ट वन ऑफ दैट। तो इतना ये है बहुत हैवी हो गया। बस तू चला जा पॉडकास्ट से, तेरी हो गई। तो आई थिंक यस एडमिन, मैनी आई डोंट सी इट गोइंग फॉरवर्ड, आई सी इट इवन टचिंग, इवन गोइंग वर्स्ट, एक्चुअली इवन गेटिंग वर्स्ट इन द कमिंग डेज। वर्स लेकिन प्रॉब्लम द ओनली थोड़ा थिंग इज कि पैसे आ जाए, कमर्शियलाइज थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ये कि पैसे तो आउट, सैलरीज अच्छी दे देंगे लोगों को, तो पीपल वुड स्टार्ट परसुइंग क्रिकेट एज अ करियर, एंड देर प्रॉब्ली माइट हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन देयर ओन एज वेल। तो यस दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। वो आप सिस्टम है ही नहीं, ये कोई रशिया थोड़ी है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी बैठी हुई है, और मैं तो इन बोर्ड्स के हक में ही नहीं हूँ कि ये इतने पावरफुल हो जाएं। आईसीसी ये भी बिला वजह बैठा हुआ है, एक वो का वो देखो ना, वो दे आर मेकिंग सच बोल्ड डिसीजंस। मतलब आई डोंट नो, लाइक आई जस्ट डोंट हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट कि हम एक प्रॉपर सिस्टम, हमने किसी कोई वाली बात साथ वाली के एज अ कॉम हमने जो है वो किसी भी एरिया में, हम ये नहीं कह सकते सिवाय एक इदारे के हम जो हैं वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं और डिसिप्लिन्ड हैं, और ये ना इधर वीगो आ जाए इधर। यार ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो यार, तो भाईजान हम तो कनाडा अमेरिका बैठे हैं, मेरे ख्याल में हमें तो कोई डर नहीं। मैं जरा अपने कैमरा बंद कर लूं, फिर आप लोग बात कर लें इस पे। ऐसा ना करो, हमारे पाकिस्तान बैठा है या देखो, वो बेचारे को तो पता। हाँ वाद भाई वो जा रहा है, वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ। और देखो, मेरा मेरा एक पॉइंट जो इस पे, मैं ये एग्री करता हूँ कि हमारे पास टैलेंट हमेशा से आता रहा है, ठीक है, उनकी टेकिंग केयर ऑफ देम, हाउ टू ग्रूम देम, उनका अपना एक इंडिविजुअल एक टैलेंट की वजह से ही आपको नजर आता है कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, वेदर यू लाइक दैट टैलेंट और नॉट, दैट्स separate. Mera problem ye hai ke having talent on its own is not going to be enough to put seats in the stadiums, get sponsorships, get people to have an interest in cricket more and more. Problem ye hai ke jab tak aap achhi team game nahi khelenge na, it's not going to be good. Mujhe ye yaad hai ke I guess it was right after Champions Trophy win of 2017, जिसमें आपको एक कंसिस्टेंसी, चाहे यू लाइक सरफराज और नॉट, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक टीम कोहेरेंस नजर आ रही थी, आपको मजा आ रहा था देख के, और जो आप कंसिस्टेंटली मैचेस भी जीत रहे थे ना यार, इट वाज एंटरटेनिंग, इट फेल्ट लाइक यू नो यू वर इन इट विद द टीम, द बॉयज वर एंजॉइंग देमसेल्व्स। लास्ट कपल ऑफ इयर्स आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड, द होल स्ट्रक्चर टीम, वो इंडिविजुअल्स अभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एज अ टीम दे आर नॉट जेलिंग टुगेदर, एंड दैट जस्ट ब्रेक्स योर हार्ट। और जब शाहीन बहुत परफॉर्म भी कर रहा था ना, मैंने उस वक्त भी दोस्तों को कह रहा था यार दे नीड टू फाइंड टाइम टू गिव हिम अ ब्रेक, ये बर्न आउट हो जाएगा। और बर्न आउट मैंने जर्मनी में आके वर्ड सीखा था, पाकिस्तानियों को तो पता भी नहीं है ना कि बर्न आउट कोई हो सकता है। अगर आपको रेस्ट दे रहे हैं तो वो समझेंगे लो जी मेरे तो जिंदगी खत्म होगी। भाई यू नीड टू गिव दीज प्लेयर्स रेस्ट, आप हर फॉर्मेट में खिला रहे हो, हर चीज में खिला रहे हो, हर मैच में खिला रहे हो, यही होगा। सो फॉर मी द नीड फॉर
The talent will always be there. The talent pool, you'll find a way to connect with them. They will find a way to connect with you. वो कोई इशू नहीं. मेरे लिए प्रॉब्लम ये है, the longevity of the team performing well. ये मेरे लिए सबसे बड़ा इशू है, जो I think चाहे वो सॉल्व हो ना हो, मेरे नजदीक वो सॉल्व होना चाहिए. I don't necessarily agree with talent being there. Honestly, talent I don't think is there at that level now, especially with how the game is progressing. आप अगर different formats को देखें तो आपके लोगों की जिस level की game awareness है, जो आप जिस level की आप लोगों को assignments दे रहे हैं, जो आपका इस वक्त वो ज़्यादा emerging cup का जो captain है, I think he's the stupidest Haris. Effing guy I've ever seen. Haris. Like उसकी game, उसके interviews, वो ऐसी nonsensical बातें करता है and literally पिछले दिनों सारी ये management का काम है. नहीं वही देखो ना, strategy सिखानी नहीं होती. मैं ये कह रहा हूँ strategy सिखानी नहीं होती. जो आजकल का हर बंदा अब शुरू हुआ है कहना, वो हमारे, मैं कुछ लोगों को follow करता हूँ, वो बहुत देर से कह रहे हैं. जिस पाथवे से लोगों को लेके आना था, जिस गेम में लोगों ने इवॉल्व होना था, स्पेसिफिकली आपका जो फर्स्ट क्लास का सेटअप है, आप उसमें से लोगों को निकाल के नहीं ला रहे. अगर आप ये कहें कि हमारे जो है वो टैलेंट की कमी नहीं है और हमारे जो टैलेंट है वो पूरा है, आई डोंट थिंक हमारा टैलेंट पूरा है. आप 20 विकेटें अपने बेस्ट पॉसिबल बॉलिंग लाइनअप से नहीं निकाल सकते अंडर ऑल कंडीशंस. आपकी बहुत सारी ऐसी दुनिया की टीम्स है जो अंडर ऑल कंडीशंस 20 विकेटें निकाल लेती हैं, आप नहीं निकाल सकते अनलेस यू हैव अ रैंक टर्नर एंड यू हैव ये 40-40 साल के हमारे बॉयज. आपके पास कोई स्पिनर नहीं है, आपके पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जो दोनों तरफ स्विंग करता हो अदर देन नसीम, और नसीम भी एफर्ट लगानी छोड़ देता है जैसी वो T20 से निकलता है, वो अपना हाथ रोक लेता है मैं इंजर ना हो जाऊं, क्योंकि ही इज प्रोन टू इंजरीज. तो आई डोंट थिंक टैलेंट इज देयर ऑनेस्टली. आपके पास कोई बंदा नहीं है जो 360 हिटिंग करता हो कंसिस्टेंट लेवल के ऊपर. साइम में कुछ स्पार्क नजर आया, हारिस में भी थोड़ी बहुत करता है, बाबर इज अ टच प्लेयर, वो उस तरह का नहीं है. तो अगर आप रोल्स की बात करें कि आपको हर तरह के फॉर्मेट में हर रोल के प्लेयर्स आपके पास हैं, आपके पास पीछे डोमेस्टिक में भी नहीं है. मैं अभी बोल रहा था, मैं डोमेस्टिक की हाईलाइट्स भी देखता हूँ, मैं फर्स्ट क्लास के स्कोर कार्ड्स भी पढ़ता हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ ऑनेस्टली. और नहीं है आपके पास बहुत सारे रोल्स को फिल करने के लिए, आपके पास पीछे से सप्लाई भी नहीं आ रही और उनको तैयार करने के लिए सही मशीन से भी नहीं गुजारा जा रहा. तो हाँ, तो वो क्या वजह हो सकती है? जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, जिस याद है हम जब छोटे थे तो हम देखते थे, ठीक है, वी यूज्ड टू वॉच डिपार्टमेंटल क्रिकेट, वी यूज्ड टू वॉच ऑल ऑफ, वो चीज खत्म कर. तो वो क्या है, दैट्स अ मैनेजमेंट डिसीजन. डिफरेंस जो है ना मेरा, जो सिर्फ और सिर्फ ओनली डिफरेंस जो कि मैं बात करना चाह रहा था, वो ये थी कि व्हेन वी ऑल से कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास टैलेंट कहीं नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है. हमारे पास टैलेंट बहुत, लेट मी बी क्लियर ऑन दिस, हमारा टैलेंट बड़ा लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड टैलेंट के साथ हम लोग अब कर रहे हैं जो कर रहे हैं. लेट मी क्लेरिफाई व्हाट आई मीन. मेरे लिए जो ये स्ट्रक्चरल चेंज आया, दिस वाज अ मैनेजमेंट एफ अप, ठीक है. आपने जो पहले, बिल्कुल ठीक है, अब मैं कहना नहीं चाह रहा, बट यू, वी ऑल नो ही वांटेड इट टू बी लाइक ऑस्ट्रेलिया और व्हाटएवर. प्रॉब्लम ये हुआ है, और मैं आई विल कम बैक इन टू दिस एज वेल, उसकी वजह से आपको टैलेंट नजर आना कम हो गया. लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, टैलेंट कहीं ना कहीं है लेकिन वो अब नहीं आ रहे. अब वजह क्या है मेरे नजदीक, ये जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, जब आपके पास डिपार्टमेंटल क्रिकेट था ना, तो जो बंदा क्रिकेट का शौक रखता था वो कम अज कम पैसे भी घर ला के दे रहा था, चूल्हा चल रहा था, और इसलिए उसका खानदान जस्टिफाई कर रहा था कि ठीक है तुम खेल लो, और वहां से आपके पास टैलेंट आ रहा है. अब अगर आपने वो चीज ही खत्म कर ली, आपने डोमेस्टिक का पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया, तो जो लोग पहले ये कह रहे थे कि यार चलो मुझे नौकरी तो लगी हुई किसी बैंक में, किसी यूटिलिटी सर्विस में कहीं पर, और मैं कम से कम अपना पैशन फॉलो कर रहा हूं, अब वो लोग नहीं है वहां पर, बिकॉज उन्होंने अपना रोजी रोटी करनी है, तो दे हैव टू गिव अप देयर पैशन. 1800 क्रिकेटर्स लूज किए हमने, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स इन 2018-19-20 वाला जो टेन्योर था, 2019-20. अब ये वजह है कि वो 1800 बंदा, 2000 बंदा पोटेंशियली जो आ सकता था, अब वो नहीं है. अब जो आ रहे हैं उनके पास क्या है, वो अपने माँ बाप को कहते होंगे भाई मुझे 2 साल दे दें, 1 साल दे दें, 3 साल दे दें, अगर मैं कुछ ना कर सका तो फिर ठीक है मैं नौकरी कर लूंगा. प्रीवियसली भी नहीं है, वो फारग हैं बिल्कुल, उनका चलो नहीं है दुनिया में, चलो क्रिकेट खेलते हैं. हाँ, यही है रियलिटी. अच्छा, और अब क्या हो रहा है, अब इसकी वजह से आई डोंट नो इफ यू कैन क्रिएट दिस कोरिलेशन,
बॉल क्रिकेट में आपने देखे कितना पैसा आ रहा है, 10-10, 15-15 लाख रुपया जो है ना आपके टॉप के प्लेयर्स वहां पर कमा रहे हैं, ठीक है, वो जहीर कालिया और पता नहीं वो फैसल, हाँ मिर्जा, मिर्जा भाई वो क्या कमा रहे हैं, ठीक है, तो ये तैमूर मिर्जा और वो जहीर कालिया, दे आर अर्निंग अकॉर्डिंग टू देम अराउंड 10-15 लाख रुपीज पर मंथ. क्यों? बिकॉज वहां पर यार पैशन जो है वो तो खत्म नहीं होता, जैसे पीरू कह रहे हैं, लेकिन अगर आप नौकरी नहीं कर सकते आप ये करेंगे, दूसरी तरफ आप व्लॉग्स उठा ले. एक और भी इसमें उस लेवल पे जो फिक्सिंग का है उस पे भी कभी आप रिसर्च है, oh, yes. वो भी नेक्स्ट लेवल का वहां पे है, तो मैं कहने लगा था फिर मैंने कहा थोड़ा सा बबल बर्स्ट ना हो, नहीं क्यों इतना कमाते हैं, इसी वजह से कमाते हैं, उसमें ऑब्वियसली वो भी ऑब्वियसली है, सड़क पे आके वो लोग पैसे उन पे फेंक रहे हैं, क्यों? बिकॉज वो भी वहां पर 25-25 लाख एक शॉट पे कमा रहे होंगे, बेटिंग का सारा बिल्कुल. रिसेंट टाइम में सबसे जो डिजास्टर्स डिसीजन था बोर्ड का वो ये था कि जो 6 टीमें हमने की थी इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट, आप सारे कोई ना कोई पॉडकास्ट सुनते होंगे पुराने क्रिकेटर्स की, तो इंजमाम मुश्ताक जब PIA से खेल रहे थे वहां वसीम अकरम बॉलिंग कर रहा था या इंजमाम बैटिंग कर रहा था, तो ये सारे उसी सिस्टम से आए हैं और वहीं से परफॉर्म करते हैं. ये लेकिन इमी भाई क्रिकेट खेले हुए हैं, उन्होंने ये भंड क्यों मार दिया मुझे समझ नहीं आया. उनका ख्याल था कि ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम लेके आना है, वहां पे 6 स्टेट्स की टीम्स होती हैं. ठीक है, लेकिन हमारे लेवल 1-5 हमारे ना, ओके आई गेट इट, 1-5 होती है, देयर इज अ पिरामिड, कंपेटिटिवनेस बढ़ाना चाह रहा था वो टॉप लेवल पे. हाँ, वो पिरामिड था ना, वो टॉप लेवल का कंपेटिटिवनेस तो हमारी पहले भी थी ना, हमारा पेंटेंगुलर जो हमारा कप था वो असल में वही फॉर्मेट था कि नीचे से बंदा फिल्टर आउट होता होता आखिरी कप तक जाता था, जो इसने अभी अपने शहजादे नकवी ने करवाया ये चैंपियंस कप. यार आपके दो थे ना, एक आपका था डिपार्टमेंट का और एक था रीजन्स का, और फिर उसमें रेलीगेशन का एलिमेंट भी था, और फिर जो लिमिटेड थी उसमें सारे खेलते थे. सॉरी पीरू, आप नहीं, यही देखे ना, जो 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 पॉइंट है ना वो यही है, तीनों डिसीजन गलत थे. रमीज राजा was a disaster. ये वाला was a disaster. 6 teams और third 30 player 30 age से ऊपर वाला हर बंदा domestic से भी इन्होंने फारिग कर दिया और सबको coaching के course करवा दिए, वो उससे बड़ा disaster है. Every player जो 30 cross करता है वो maturity की age, batsman की तो मानते ही कौन सी age है, सारी दुनिया की sports science fail हो जाती है इस point पर. 30 साल से ऊपर मिसबा की वो जो audio leak हुई थी और वकार यूनस थे उस टाइम पर दोनों, और वो हुआ था जी 30 ईयर से ऊपर वाला बंदा 3 मैचेस में 3 सेंचुरीज ही मारे तो उसको हमने हायर वो रखना नहीं है फारिग कर. अनबिलीवेबल था ये, मतलब मेरे ख्याल में 6 टीमों से बड़ा ज्यादा बड़ा डिजास्टर तो ये था 30 साल से ऊपर वाले बंदे फारिग करो. वी ओनली नीड यूथ इन क्रिकेट, लाइक दैट्स बियॉन्ड मी. कैसे कोई सोच, बट देन अगेन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टैलेंट और एक जनरल जो इंप्रेशन है वो तो यही है ना जी, बड़ा हमारी पॉपुलेशन पैरामिड ऐसे मतलब इस तरह पैरामिड की तरह है, तो इसका मतलब ये है कि यंग ब्लड आ रहा है और यंग ब्लड को इन्वॉल्व करना है तो फिर बाबों को खाली करना पड़ेगी. लाइक देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन ओवर देयर, बट ऑनेस्टली लाइक इट्स सच अ बिग मेस. उसको छेड़ना नहीं चाहिए था, पहली बात तो ये है. अब छेड़ा था तो क्योंकि हम कंसिस्टेंटली किसी चीज को फॉलो तो कर सकते नहीं, तो वो फिर यही बात है कि जो चल रहा है चलने, तो भाई किस लोगों की रोजी रोटियां लगी हुई हैं और लाइक इट्स गुड सीन वहाँ पे, ओके है, जो मिलना है जो आ जाएगा टैलेंट. और आपके मसला ये है कि सिस्टम अगर आप बना देंगे ना तो फिर अगेन वो हर सिस्टम की तरह वो भी हाईजैक हो जाएगा. जो टॉप 5% है ना, जिसकी अमीन अगेन आई डोंट नो हमारा कैप्टन है, मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं, देर विल बी अ लॉट ऑफ चांस कमिंग थ्रू देन, ठीक है. और वो यही होगा कि क्योंकि दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट अ सिस्टम इज, दे कैन अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस अराउंड इट. वो शायद कोई किताब होगी या कोई वेबसाइट होगी, उस पे जाके पढ़ भी लेंगे अंग्रेजी में लिखी हुई वो बातें सारी. तो वो अगर हम वो सारे उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे तो फिर जो हमारे ये जो आ रहे हैं बन्नू से और यू नो लाइक एचिसन से और फिर ये बॉयज कहेंगे यार ये तो इजी है, ये 4 conditions हैं, ये फुलफिल कर दो, आपको मिनिमल 5 chances मिलेंगे. ये प्रॉपर सिस्टम यही होता है ना कि आप यू नो वो पूरे फिर आप रूल्स एंड सेट ऑफ रूल्स के थ्रू आएंगे, और वो सेट ऑफ रूल्स जब कम्युनिकेट नहीं होंगे और अंडरस्टैंडेबल ही नहीं होंगे आम बच्चियों के, PCB ने तो फिर भंड मारना है कि उन्होंने तो शायद उर्दू में उनकी वो हो ही ना वो कहीं पे पब्लिश्ड. तो वो मैं इस चीज की बात करूं कि लेट द सिस्टम्स बी जो इस वक्त हैं, व्हाट वी शुड प्रॉबली फोकस ऑन इज के जब वो आ जाए तो उसके बाद हम यस देन वी शुड हैव द टेक्नोलॉजी एज वेल एंड और उसमें फिर हम रोल डिफाइन कर सकते हैं और फिर लेट्स गेट अ यू नो एक लोकल कोच और एक फॉरेन कोच का मिक्सचर करके कुछ ना कुछ इस तरह की हम PCB ओवरलुक कौन करता है
कौन वो लुक्स आफ्टर पीसीबी? पीसीबी किसको रिपोर्ट करता है डायरेक्टली, किस चीज प्राइम से? मिनिस्टर को, पीएम के अंडर है ना। हाँ एग्जैक्टली देखो ना तुम पिरामिड देख रहे, वो स्टेबल नहीं है। हाँ वो स्टेबल नहीं है तो पीसीबी क्या हाँ करेगा यार? वहां बंदा आपकी एग्जैक्टली मर्जी से लेके, आपके मेरा दोस्त है, मैं पीएम बनूंगा ना तो मैं पीरजादे को बना दूंगा यार। ये ज्यादा ही है तो कर रहा हूँ यार मैं, यानी कि बचपन की सारी दोस्ती नहीं, क्या मैं पीरजादे को खत्म बनाऊंगा ताकि, नहीं नहीं मैं तुझे बताता हूँ, मैं पीरजादे को बनाऊंगा ताकि 18 करोड़ अवाम उस अजाब से गुजरे उनको पता चले क्या होता क्या है भाई लेकिन खैर नहीं, पॉइंट इज के ये नवाज ने ना पोजीशन तो नवाज ने, वो कौन बॉय था अपने जरदारी का दोस्त, नसीम अशरफ, नसीम अशरफ, मतलब बॉय ना कह उसे, वो 85 साल का है। ओके व्हाटएवर, लेकिन पॉइंट इज के क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, या नकवी साहब का वही क्या? लड़की आती, बैंक चलाता रहा सिंध में काफी अर्सा, वो नकवी का सापा चलाने का क्या भी क्या तजुर्बा था उसका, वो भी हाँ कुछ आ रहा था नहीं, लेकिन वो नकवी बंद ने हो ऐसा गया। क्या किया था? एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस नकवी, कोई बहुत ओके चैनल चला रहा है या हो गया यार, आप जैसे मासूम मेरे लोगों को मेरे पता ही ख्याल ना में, पे। मेरे ख्याल में ये जो डिस्कशन है ना, आई थिंक दिस डिस्कशन इज समथिंग जो कि इस तरह मेरे ख्याल में वी कैन टॉक अबाउट आवर्स, और ये हाँ इस बारे इसका में कोई हम कहते आउटपुट, इसका रहेंगे कोई और हम एंड इसमें नहीं, देयर इज दस नो फॉल्ट एंड टू इट। ढूंढेंगे। मेरे मेरे बट ख्याल में आई वुड, हाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मैं अमूमन सोच रहा होता हूँ, अगर आप पाकिस्तान को देखें इस वक्त, और जस्ट जस्ट थिंक अबाउट द प्लेइंग इलेवन या द प्लेयर्स, और जिस तरह से हम अपने मैचेस को अप्रोच करते हैं उसमें, वॉट डू यू ऑल थिंक, और इसमें मेरा भी अपना ओपिनियन होगा जो मैं इसके बाद दे सकता हूँ, लेकिन वॉट डू यू ऑल थिंक कि वेर आर वी लैकिंग? जब हम मैचेस में जाते हैं और हम कभी जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, और हम टेस्ट सीरीज में इतने टेस्ट मैच हार दिए, रमीज राजा साहब ने उस पर भी भंड मारा, 6 मैच हारने में मेहनत बड़ी लगती है, तो मतलब तो एसेंशियली वॉट वॉट इज कमाल इट दैट यार, वी आर मिसिंग? कमेंट हम करो सारे फॉर्मेट्स के अंदर काफी बुरा परफॉर्म किया हमने, ODIs में भी, T20s में, 2020, 1, 2, 2 के बाद हमने बहुत बुरा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो क्या प्रॉब्लम आप लोगों को नजर आती है प्राइमरीली जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स एंड आवर प्ले स्टाइल? यार जज्बाती बॉयज है हमारे सारे, मैं ये कहने लगा था व्हाट वी नीड इज मुझे जो लगता है पर्सनली, इन बॉयज को ये बेचारे आए हुए हैं बड़े क्या कहते हैं, चलो उसमें नहीं हम्बल, पढ़ते हैं एमी फजूल में गालियां ना पड़ जाए उस पे, मतलब ये बॉयज आए हुए हैं, एक्सपोजर नहीं है इनको। ओके ठीक है, एक्सपोजर की कमी है थोड़ी सी बॉयज के पास, प्रेशर हैंडल करना सिर्फ ये नहीं है कि भाई मैंने अभी ना डॉट करनी शुरू कर देनी है, मतलब एक गेम अवेयरनेस जिसे कहते हैं ना, वो बहुत लैक करती है हमारे बॉयज में, बहुत लैक करती है। मैं आज आज मैं क्रिकेट खेल के आया हूँ, मेरे साथ एक मेरा दोस्त बैटिंग कर रहा था, बहुत प्यारा बैट्समैन है, कमाल बैट्समैन है, बेहतरीन, मैं उसे कह रहा था कि यार, और मुझे पता चल गया था उसकी एक दो शॉट से कि उसका छक्का फंसा हुआ है एक, मैंने उसे कहा तू छक्का मारना चाह रहा है ना, वो कह रहा है हाँ, कहता हाँ मड़ा मेरे को एक छक्का मारना है, मैंने कहा लेकिन क्यों मारना है छक्का, मतलब हमें क्यों चाहिए छक्का इस वक्त, तू चौके मार तो रहा है, कहता नहीं मेरे को एक छक्का भी मारना है, और वो बहुत जबरदस्त बैट्समैन है यार, मतलब प्रॉपर बेहतरीन बैटिंग करता है, और बोल्ड हो गया छक्का मारते हुए, जरूरत नहीं थी। द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट ए देयर इज नो गेम अवेयरनेस, आई थिंक द गेम अवेयरनेस इज नॉट ओनली, ये नेचुरली नहीं आ जाती, जरूरी नहीं है, यू नीड, आई थिंक पीपल नीड टू सिट दीज गाइज डाउन एंड नीड टू टेल देम गाइज हाउ डू यू रीड द गेम। ये अभी आप 8 इन एवरेज, लेट्स से 10 10 का एवरेज चाहिए, 10 कैसे हो सकता है आपके पास? 2 डबले लेनी है, 5 4 5 सिंगल ले लो, कुछ बाउंड्री, लेकिन कोई ये आप रिस्क 11 फ्री लोगों क्रिकेट को हो नहीं गई। समझाएंगे, ये आप 11 लोगों को नहीं समझा सकते, मेन अगेन प्लेयर्स को एवरीवन इज फ्रॉम समझाओ, अ मैं डिफरेंट ये कह रहा बैकग्राउंड हूँ, ना, मुझे आई ये आप लव अपने बॉबी, कैप्टन को समझाएंगे? मैं कह रहा हूँ आई लव बाबर आजम, बाबर आजम मेरा ख्याल है मुझे बहुत लाभ है उससे, बाबर आजम डज नॉट हैव दैट गेम अवेयरनेस, ही हैज जीरो गेम अवेयरनेस, एग्जैक्टली, बाबर आजम को गेम रीड नहीं करनी आती, सही, बाबर को गेम नहीं रीड करनी आती, हंस रहा होगा कि यार ये कौन चावल बैठे हैं चार बंदे और हाँ, तो वो मुझे पॉइंट, कहते हैं लेकिन जीरो गेम लेकिन अवेयरनेस। बाबर हैज ग्रेट टैलेंट, कमाल है हर चीज, लेकिन पॉइंट पीरू, चल मैं तुझे इसकी इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, बाबर वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के अंदर मैच था, 356 आप चेज कर रहे हो, आपने 120 समथिंग कर लिया, रन अ बॉल चाहिए, ठीक है, रैश शॉट मार के आउट हो गए भाई। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था, या कौन सा मैच था हमारे लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर, जिसमें आखिरी बॉल पे हारिस रऊफ को पीछे चौका पड़ गया था,
मैं मैच देख रहा था अपने ऑफिस में और मैं श्रीलंका वाला था, मैंने कहा भाई इस मौके पे ना यहाँ से मैच पे यहाँ से चौका निकलना और यहाँ पर हमें फील्डर चाहिए लिटरली, और मैं ये वाली बात कर रहा हूँ तो मैं बचपन से सिर्फ देख ही रहा हूँ ना मैं कितना को प्लेयर हूंगा, हम हर बंदा एग्री कर रहा है कि यहाँ पर फील्डर चाहिए और उस ज्यादा को नहीं समझ आई और वहीं पर हमने चौका खाया और हमने मैच दे दिया, वहीं वहीं पर पड़ सकता था हारिस रऊफ की बॉल पे और कोई जगह ही नहीं थी मारने की, उस बैट्समैन की कैपेबिलिटी नहीं, इतना नहीं आप रीड कर पा रहे थे, इट्स इनसेन। सो माय टू सेंस आर के पिक द विनर, पिक द गाइज हु कैन टर्न द गेम, हु कैन मेक एन इम्पैक्ट ऑन द गेम, क्योंकि सारे नहीं कर रहे, कुछ हैं जो बॉल बैट फील्ड तीनों से कर रहे हैं, दे नीड, और जिनका इन्फ्लुएंस है टीम में, लेट्स से रिज बॉय की मुझे लगता है गेम अवेयरनेस इज मच बेटर बाय द वे, खैर पिक देम, यू नीड टू कोच देम ऑन हाउ टू रीड द गेम, हाउ टू कीप इट काम एज वेल, हाउ टू कीप इट काम अंडर प्रेशर एंड हाउ टू ये एकदम डोंट लूज योर नर्व्स वाला सीन भी आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया वाला वर्ल्ड कप बड़ा दुख होगा, यहाँ पे दर्द होगा रिजी, लेकिन क्यों छक्का मारना था तुझे बुमराह को, क्यों छक्का मारना है, मतलब तुझे क्यों क्या दिखाना है तुझे बुमराह को छक्का मार के, मैं बुमराह को छक्का मार सकता हूँ वो ओवर निकाल देता, निकाल देता वो ओवर यार, मतलब तू छह की छह डॉट, तू छह की छह डॉट भी कर देता ना, हमने वी कुड हैव वॉक्ड, मजे की बात है अगर वो डॉट करता ना, प्रेशर इंडिया पे ये आता कि यार ये गेम अवेयरनेस लेके आए बॉयज, लेकिन गेम अवेयरनेस आप ऐसे बैठ के कोचिंग सेशन में सिखाना आई थिंक इज वन वे, कि आप उनको कुछ ना कुछ आप क्रैश कोर्स टाइप आप बीच में कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हैं, जैसे सॉकर में आप बैठ के वो बोर्ड के ऊपर बनाते हैं कि ये फॉर्मेशन तो यहाँ से जाना है, लेकिन प्राइमरीली आपकी गेम अवेयरनेस गेम टाइम से आती है, जितना आप टाइम गुजारते हैं, जितना आपने रगड़ी होती है अपने टेस्ट क्रिकेट और इस तरह के फॉर्मेट्स में, वो तो से गेम उन सब ने खेली है यार, उन सब ने उन्होंने खेली है, आई गिव यू वन एग्जांपल, ओके ओके आई गिव यू वन एग्जांपल, उतनी उन्होंने खेली हुई है, मैं एक एग्जांपल, लेट्स से वन वे ऑफ डूइंग दैट इज के दे रीवॉच, आई एम श्योर दे वुड हैव दे प्रोबब्ली रीवॉच द मैच, यू रीवॉच द मैच, यू सिट डाउन विद समबडी हु इज एन एक्सपर्ट इन दैट, ठीक है, और फिर वो वहां पे उनसे इंसाइट्स लेके यहाँ पे तुमने क्या गलत किया क्या सही किया, इट्स अ सिंपल एग्जांपल, ठीक है, इट्स अ सिंपल एक्सरसाइज दे कैन डू एज वेल, मुझे नहीं, मुझे बड़ा, मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट होता है इसे, मुझे नहीं समझ आती कैसे इनमें इतने इंटरनेशनल लेवल पे डे इन डे आउट, हम सारे अपनी अपनी फील्ड में जो काम करते हैं, लेट्स से जो हमारा किसी चीज, कोई बंदा भी किसी चीज में मास्टर है ना, वो उसमें नींद में वो चीजें कर लेता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरे से शायद प्रोसेस नहीं होता ये कि हाउ कैन दे नॉट हैव दैट व्हेन दे आर डूइंग दिस थिंग डे इन डे आउट। जस्ट टू ऐड ऑन दिस में, जी जी बताइए, मैं उमेर से ये अग्री करूंगा कि गेम अवेयरनेस शायद मेन वजह है जो सब कुछ जो हो रहा है, वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट गेम अवेयरनेस, अभी ये जो इनिंग्स उसने साउथ शकील ने खेली थी, मेरे नजदीक वो परफेक्ट गेम अवेयरनेस थी, उस सिंगले यार, उस बंदे ने अब तक कितना 135 या कुछ मारा था, जिसमें उसके हाँ तकरीबन कोई 70 उसके या 75 तो सिर्फ सिंगले थे, तो ही वाज जस्ट पुशिंग इट, एंड वहां पर प्रेशर इंग्लैंड पे आया था कि यार मैं तो हैरान हूं कि बेन स्टोक्स भाई को ये समझ क्यों नहीं आई कि यार इसके सिंगली रोकनी है, उससे मारी भी नहीं जाते चौके छक्के बेचारे से, एग्जैक्टली, और दूसरी चीज यह है कि यार चलो ये जो गेम अवेयरनेस है ना, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि यही सिखानी है तो वो किसका काम है, ये टैलेंट तो आपके पास है, काम किसका है, मैं वो वापस आता हूं, चली जाएगी डिस्कशन पे, नहीं मैं, लेकिन मेरे एक बात आती है कि आपके पिछले कितने सेटअप आए हैं जिसमें आपके कुदरत के निजाम से लेके आपके गोरे भी बीच में आए हैं, आपके अजहर महमूद और सकलैन मुश्ताक और बीच में कौन कौन नहीं है, आपके 25-26 सिलेक्टर हैं विद इन लास्ट 2-3 ईयर्स, आपके हफीज साहब भी डायरेक्टर बने बीच में, मिसबा साहब का बीच में भी रहा है, लेकिन मन ये कह रहा ना कि वो साध ने कि वो लाइक लेट्स गेट ओवर दैट डिस्कशन, क्योंकि उसका आउटपुट नहीं है, लेट्स कीप इट टू द 11 प्लेइंग 11, बहुत बड़ा इशू है, सो लेट्स से एक एग्जांपल ये है कि सऊद की आपने बात की, आप इस सीरीज में देखें लंच हर सेशन के एंड से पहले हमारे एक विकेट गिरती है, एक ओवर पहले, सॉरी इनके जब हर दफा आपको पता है तो, और उसको तो खैर छोड़ ही दे रहा ना बॉल जो हम लोग हारते होते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक सेट बैट्समैन आउट होगा, दूसरे दो ओवर बाद उसने पीछे पहुंच जाने की, तेरी सेंचुरी भी होगी मेरी भी होगी, वापस चलते हैं, ये सारी चीजें इनको खेल खेल के कब आएंगे, एक एलिमेंट ये है कि ये सारे अब बहुत कम फर्स्ट क्लास खेलते हैं और वहां पर ये बहुत सारी चीजें डेवलप होती हैं,
T20 चार चार ओवर खेल करके फिर वही हाल होता है जो शताब की बॉलिंग का हुआ। वो था ही T20 का बॉलर, टहीन की बॉलिंग, शादाब की बॉलिंग, इन सबकी बॉलिंग, हारिस की बॉलिंग, सबकी बॉलिंग का प्रॉब्लम यही है। मुझे नहीं समझ सारे लॉन्ग फॉर्म के बॉलर नहीं है, फॉल मतलब कि उसकी स्पीड क्यों कम हुई है, दैट्स लाइक आई डोंट नो, क्योंकि इंजरी का रिहैब ठीक नहीं हुआ ना, इंजरी का रिहैब भी ठीक हुआ आपका। व्हाट इज दिस कोरिलेशन बिटवीन आवर प्लेयर्स गेटिंग मैरिड और परफॉर्मेंस तबाह होने के, ये क्यों निजाम, ये कब से क्यों चल रहा है, आपकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, कि आप बेसिकली पहले मौके नहीं मिलते, फिर एकदम आप कुत्ते हो जाते हैं, समझ रहे आप, फिर आप आपको फिर बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। हाँ मौका और प्रोजेक्ट आता है वो होता है छोटे वाली स्टेज पे चले जाते हैं, वो एक और प्रोजेक्ट भी मिल जाता है ना कि यार छोटा कब आ रहा है। हाँ, वो भी काट ले है, फिर भी मतलब एक्सपेक्टेशंस एब्सोल्युटली। तो फिर दूसरा ये अब चलो 50 मिनट्स खेलने के लिए दूसरा चाहिए, अब हमने इसको रैप अप करना है, तो अब पीरू की सुन लेते हैं पहले, पीरू के नजदीक साथ के सवाल का क्या जवाब। नहीं मेरा तो ऑनेस्टली आई थिंक वही बात है कि वो फिर दोबारा उधर चली जाएगी, बट इनस्टेबिलिटी थोड़ी सी टॉप पे रही है, मैनेजमेंट अगेन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से लिंक्ड है, उस वजह से थोड़ा सा टीम जो थी वो अंडर प्रेशर थी, प्लस एक इशू जो मुझे लगता है ना थोड़ा सा एक और है साइड पॉइंट, सबने बड़े वैलिड पॉइंट्स रेज किए और इससे शायद इंपॉर्टेंट किए, मैं आई थिंक मीडिया मैनेजमेंट स्पेशली सोशल मीडिया जो है उसकी भी थोड़ी सी मुझे नजर आई है इन्फ्लुएंस, स्पेशली जो यहाँ पे सारे हम बैठे हुए हैं, मेरे अलावा शायद बॉब्जी बॉयज जो बैठे हुए हैं ना, आई थिंक वो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ही हैज अ ग्रेट सोशल मीडिया टीम, और वो वहां पे उसको या आई डोंट नो लोगों ने जनरली खुद ही कर लिया कि कहीं और फ्रस्ट्रेशन पॉलिटिकल फ्रंट पे निकल नहीं रही, तो चलो बाबर आजम को चुक लेते हैं उतनी देर, उसको थोड़ी देर इमरान खान बना के अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। भाई वो इमरान खान से पहले भी था, तुम पता नहीं किधर बात ले जाते हो, और ये नूनिया भी ऐसा डेवलप होता है ना उनपे डेवलप होता है। अब इस वक्त तू भी खुद उस दिन बात कर रहा था कि जी बाबर आजम को मसला है जी, उसको वो साइकोट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, ये वो साइकोलॉजिस्ट बन गया, तो खुद तो वो कहां से आ रहा है, उसकी वजह ये बहुत बड़ी ये है कि वो स्क्रॉलिंग कर रहा है बहुत ज्यादा और लोगों के चवल बीम्स पाड़ रहा है बैठ के, जिनकी कोई वो नहीं है, जिसमें हमारे से उसके अब्बू ट्वीट करनी छोड़ देना, तो मेरे ख्याल में आधा प्रेशर उसका उतर जाए, उसके अब्बू जो उसको चुकते हैं ना भाई जान, आई विश कि मेरे अब्बू मुझे ऐसे उठाते। उसका ड्रामा बना हुआ है कि वो बाइक पे जा रहा है 70 पे और वो जनाब वो यार रियल स्टोरी है, रियल सब मुझे क्या उस स्टोरी के उसके अब्बू के व्यूज बड़े 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 इंटरेस्टिंग होते हैं। तो अब तुझे वहां पे अब तुझे को 24 घंटे सोशल मीडिया पे चुकना शुरू हो जाए कि ये देखें जी गंदे नाले में बैठा होता था बचपन में, आज देखें कतर में जनाब क्या जबरदस्त माशाल्लाह पर वो तेरी भी बड़ी जबरदस्त हो रही है। तो पॉइंट ये है कि आपने जरूरी नहीं है कि हर बंदे को इतना चुक देना होता है सोशल मीडिया पे, हमारा वो एक इनको थोड़ा सा उस तरफ भी थोड़ा सा बताएं कि अपने आप को शील्ड रखें ना देखें मैच से हफ्ता पहले सोशल मीडिया, लेकिन 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 अवॉइड करें या उसको बोलने कोर्ट उसका रखें कि किसी ने कुछ कहा है तो आपको इतना ऑन द सॉरी एक से लाइनर ऑन द कॉन्ट्ररी कोहली की भी तो यार ये स्टोरी कितनी बिकी है कि उसका उसके अब्बे की डेथ हो गई थी जिस दिन वो मैच खेलने गया और उसने सेंचुरी मारी, ये तो मतलब तूने फिर लेकिन दूसरी तरफ ये भी था जब वो हार रहा था तो जी शर्मा जी वो भाभी की वजह से हार रहा था ये भी वो तो ठीक है, अब ये शादी इसी वजह से नहीं कर रहा वैसे। यार कोहली तो फिलोसोफर आदमी है, कोहली के इंटरव्यू सुनो तो कोहली को तो मतलब सुन के मुझे लगता है कि यार इससे सारी जिंदगी एक और सीख लो, ही इज इनसेन एक्सट्रीम। जो उस बंदे का ग्लो अप है ना फ्रॉम अंडर 19 टू नाउ, यू कैन नॉट डिनाई दैट इन हिज वेज या परफॉर्मेंस वाइज, शायद आपका अपना कमेंट है यार वो शायद जी आपका अपना कमेंट जी मेरे मैं असल में ना एक पॉइंट है जिसके ऊपर मेरी अमूमन लोगों के साथ बहस होती है, मेरे ख्याल में हमारा एक वन ऑफ द प्राइमरी प्रॉब्लम्स विद अस इज जो अब अगेन कुछ ऊपर से ट्रांसलेट होता है लेकिन अब वो हमारी टीम का एक पार्ट बन गया, वेयर वी आर नॉट श्योर अबाउट आर स्ट्रेंथ्स एंड आर गेम प्लान। हम लोग टेस्ट मैच में पाक बॉल बना ली हमने शहजादों की तरह, एक एक सीरीज थोड़ा सा जरा तेज खेला हम लोगों ने, बॉल बना ली है हम लोग टेस्ट, हम लोग T20 के अंदर या वन डेज के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं जी देखो क्लासन कितना कैसे मारता है, देखो ऑस्ट्रेलियंस कैसे मार रहे हैं, मैक्सवेल को देखो ये वो। आई थिंक
आई थिंक अभी भी देर इज वैल्यू इन प्लेइंग टू योर स्ट्रेंथ्स. अफगानिस्तान टीम इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट. कि उनके कुछ बॉलर्स लीथल हैं, उनके पास कुछ स्पिनर्स लीथल थे. अब उनका फजल फरूकी पकड़ा नहीं जाता किसी से. अब उन्होंने 100% उस चीज को साइड पे रखा हुआ है अभी तक कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तेज खेलने से ही आप जीत सकते हैं. पाकिस्तान की जो प्राइमरी विन थी वो उसी बेस पर थी जिस बेस पर आज अफगानिस्तान जीत रहा है. कि बैट्समैन में भी एक रीजनेबल सा टारगेट सेट कर ले. वो गुरबाज से ज्यादा खड़ा हुआ था. अब उनका इमर्जिन कप में जो लड़का आया वो तो 100% उनकी टीम में आ रहा है. अनबिलीवेबल बॉय है. अफगानिस्तान का काम है तीन एक बैट्समैन है उनके पास, उससे 150-160 कर लो T20 के अंदर और बाद में आपकी बॉलिंग बचा लेगी. पाकिस्तान की ये कंफ्यूज स्टेट है क्रिकेट. पाकिस्तान चाहे टेस्ट मैच में देखो चाहे T20 में देखो, वी आर ट्राइंग टू मिमिक द वर्ल्ड. के उसमें ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ले आओ, इंग्लैंड की तरह हम बैटिंग नहीं करते, इनकी तरह हम बॉलिंग नहीं करते. आई डोंट थिंक वी शुड रियली यू नो फॉलो दैट. हमें हमारी गेम प्लान की हमारी जो स्ट्रेंथ है अपने करंट रिसोर्सेज में रहते हुए, मेरे ख्याल में वो तरीका जो हमारा लेगेसी तरीका था वो आज भी उतना ही कारामद हो सकता है. जहां पर आप 150-160 कर रहे हैं, ऑन अ गुड डे आप 200 कर रहे हैं, लेकिन बाकी आप अपनी बॉलिंग पे कर रहे हैं बैंक, स्पेशली इन द T20s. आपने स्पिन विकेट्स के ऊपर आपने अच्छा खेलना है. जब आपने बात करनी है टेस्ट मैचेस की, जहां पर आपके टुनटुने पे बॉल लग रही है, वो वाले मैचेस आपने भूल जाने हैं बुरे ख्वाब की तरह. आपने वो नहीं जीतने, आप वाकई में नहीं कुछ करने लगे. आप साउथ अफ्रीका में मुश्किल ही जीतेंगे. ठीक है, एक्सेप्ट दैट एंड जस्ट मूव ऑन. और जहां पर आप कर सकते हैं वहां पर जस्ट प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स. हमारी जो कंफ्यूजन है ना इस वक्त तीनों फॉर्मेट्स के अंदर, व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिकम विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड ट्रेनिंग दैट वी हैव, आई थिंक दैट इज आल्सो वन ऑफ द प्राइमरी कल्प्रिट्स इन आवर करंट डाउनफॉल. जहां से बड़ी जल्दी हम वापस उठ सकते हैं. आई डोंट थिंक देयर इज एनी. मैं लेकिन मोटे साथ मेरा क्वेश्चन ये है कि टीम तो हम मोटे बहुत मोटे. मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि एडमिन तो एडमिनिस्ट्रेशन सेम थी, राइट? लेट्स एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात को दफा करो, उसकी बात नहीं करनी, टाइम जाया होता है. मिस्बा इतना कंसिस्टेंटली टेस्ट में कैसे परफॉर्म कर गया? फॉर्मूला तो उसने बना लिया था. आई नो यूए वाला फॉर्मूला, वी ऑल एग्री ऑन दैट. तो वो जो तू कह रहा है, मतलब तू ये कह रहा है कि वी अग्री ऑन अ फॉर्मूला और according to our strengths and then we play to according to that. It's fine, let's lose in Australia, let's lose in South Africa. England mein jaake it's 50-50, ek batsman ne century maar di to phas jayega match, kamal ho gaya. Varna Allah malik hai. West Indies England to apna dushman khud hai na. England to England phas jata hai apni harkaton se. Haan, exactly. Wo matlab kuch bongi maar denge, toss jeet ke pehle bowling kar lenge. Wo bhi confused hai abhi. Lekin mota mota ke साउथ अफ्रीका हारो, ऑस्ट्रेलिया हारो, खैर है, श्रीलंका बाकी चीजों में देखा जाएगा. लोगों को बुलाओ, घेरो टेस्ट मैच में, जीत जाओ. यार इंडिया ने ये किया है उमर, इंडिया ने ये किया है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम और अब जाके वो अवे में कंपेटिटिव हुए हैं. वो 12 साल से अनडिफीटेड थे, बाहर वो जाके 4-4 से फिर इंग्लैंड में हारते रहे हैं, लेकिन फिर जाके ऑस्ट्रेलिया में जीते भी हैं. वो 36 ऑल आउट से अभी तो शायद अभी तक नहीं ऑस्ट्रेलिया में जीते, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. नहीं, 95 ड्रॉ है. ये वही वाली सीरीज है ना जिसमें वो शेन वॉन आके कहता है कि ये मेरे कमरे में आ गया था और वो कोई सट्टे वट्टे हो रही. क्या बात है, क्या बात है हमारी कॉन्फिडेंस. मेरे ख्याल है वो पाकिस्तान वाली सीरीज थी जो वो आया था, वो जब ये लोग कराची में जीते थे 94 में, कराची में जो एक विकेट से जीते थे. मेरे ख्याल है वो वाला सीरीज थी. इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखेंगे, बहुत सी बातें थी करने वाली. मेरे ख्याल है नेक्स्ट एपिसोड की एक बहुत अच्छी जो स्टार्टिंग पॉइंट ही होगा कि टीम आइडेंटिटी, जो हमारा करंट सेटअप है और जो करंट हमारा लीडरशिप है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी क्या नई टीम आइडेंटिटी हो सकती है. साथ ने एक प्रपोज की है, अगर हमारे पास और ओपिनियंस हैं, कॉमेंट्स हैं, तो उसको नेक्स्ट टाइम लेंगे. But thank you so much, Ahmed, Saad, Adil Bhai, Umair, for joining us today and sharing our insights. और उम्मीद करते हैं कि उस एक ग्रुप बनने की वजह से हम धक्का मार मार के इसको रेगुलर बेसिस पे कर सकेंगे. Until next time, खुदा हाफिज. खुदा हाफिज.